हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूथ ट्रेंड चैनल में। आजकल का इंसान दूसरों के सुखों से दुखी हो जाता है, इसीलिए काला जादू करने लगता है। काला जादू दूसरों के द्वारा की गई एक विद्या है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति की परिस्थितियां नकारात्मक हो जाती हैं और प्रभावित व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है। चारों तरफ से तकलीफें और परेशानियाँ ही नजर आती हैं। इसके परिणाम बहुत ही खराब होते हैं। तो आइए आज हम आपको इस काला जादू से बचने के उपाय बताते हैं। पहला उपाय है गोमूत्र। काले जादू से बचने के लिए आपको अपने घर में गोमूत्र का छिड़काव करना होगा। अगर शास्त्रों में देखा जाए तो उसमें भी गोमूत्र को पवित्र माना जाता है। गोमूत्र में पर्यावरण को शुद्ध करने की शक्ति है। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हो सके तो हर मंगलवार को मंदिर में भी जाना चाहिए। आपने ऐसा सुना भी होगा कि हनुमान से भूत प्रेत सब दूर भागते हैं। तीसरा, दिवाली के दिन सरसों का तेल लेकर या फिर आप शुद्ध घी भी ले सकते हैं, फिर किसी दिए में तेल डालकर उसको जलाकर उसका काजल बना लें। इस काजल को लगाने से भी भूत प्रेत और काला जादू से आप बच सकते हैं। चौथा, जब आप रात्रि में भोजन कर लें तो उसके बाद किसी चांदी के बर्तन में किसी पवित्र स्थान या फिर जहां आपका मंदिर हो वहां पर उसको जला दें। इससे भी आपके काले संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। पांचवा, काला जादू को दूर करने का एक और तरीका है। आप पुष्य नक्षत्र में चिड़चिड़े अथवा धतूरे का पौधा जड़ सहित उखाड़कर उसे धरती में ऐसे दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा पौधा धरती में समा जाए। इन क्रियाओं में से अगर कोई भी एक क्रिया आप कर रहे हैं तो ऐसा ध्यान रखें कि कोई व्यक्ति इसको टोके ना। इसलिए सही समय और सही जगह का चुनाव पहले से ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।